गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक नेम्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके पूरे फिजिक्स में भी आपका एक बहुत जगह इसका कॉन्सेप्ट यूज आता है। सो सम व्हाट इट यू कैन से सम व्हाट इट कैन बी डिफिकल्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स। सो हम इसको बहुत धीरे धीरे स्टडी करेंगे, एक एक चीज को मैं आपको क्लियर करते जाऊँगी, आपको पेशेंस के साथ इसको पढ़ना है। अब देखिए, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बॉडी जब एक सर्कल के अलोंग कांस्टेंट स्पीड के साथ में मूव करती है तो वो उसका मोशन कैसा मोशन कहलाता है? आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा अब देखो, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? जब आप एक सर्किल की बात करते हो, मेरा कर्सर के ऊपर आप देखना, सर्किल की बात करोगे तो इस तरह से पार्टिकल मूव करता जाएगा सर्किल के अलोंग, पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होगी। अगर स्पीड चेंज होगी तो उसका पाथ सर्किल नहीं बचेगा, वो इलिप्स या फिर कोई अदर शेप ले लेगा, क्योंकि अगर स्पीड चेंज होगी तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में उसकी डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी फ्रॉम द सेंटर। सो स्पीड इज कॉन्स्टेंट, बट वॉट यू कैन से एंड उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, बिकॉज दैट इज इन द सर्कुलर मोशन। वो हर एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है बेटा, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी वजह से आपका क्या होता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, ओनली द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड, सो चेंज इन वेलोसिटी। ओके बेटा, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये देखिए, दोबारा देखिए, ये पार्टिकल है, इसने ये ट्रेस किया, ये आपका बन गया है, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा, ये आपका एक सर्किल के अलोंग पार्टिकल ट्रेस कर रहा है। अब पार्टिकल ने जो ट्रेस किया है, इसकी स्पीड तो सेम है, स्पीड सेम है, इसीलिए सेंटर से इसकी हर जगह पे डिस्टेंस सेम है। अगर स्पीड डिफरेंट हो जाती तो जैसे ये यहाँ पर ऐसे चला जाता, फिर इसका मोशन पता कैसे होता, ये एक सर्किल में ना होके ये ऐसे होता इस तरह से, और वापस आके उसी पॉइंट पे मिल जाता। आपका सेंटर से अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग डिस्टेंस हो जाती है अगर स्पीड डिफरेंट होती तो, बट ये स्पीड इज सेम, ओनली द डायरेक्शन इज चेंजिंग। डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसी वजह से इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ये इसका सेंटर ले लिया, ये कोई आर वेक्टर ले लिया, दैट इज रेडियस वेक्टर है। ये देखिए, ये पार्टिकल ने पी पॉइंट से लेकर, दोबारा देखिए बेटा एक बार, पार्टिकल इनिशियली पी पॉइंट पे था, अभी पार्टिकल पी डैश पॉइंट के ऊपर पहुंचा है। तो यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, आर आर डैश, और आर और आर डैश हमारा दोनों ही रेडियस वेक्टर, इसलिए बराबर हो जाएंगे। अब ये जो जा रहा है, देखो अब ये जो ओमेगा है, दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं बेटा, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था राइट हैंड थंब रूल, आपको क्या करना है, आपकी फिंगर्स उनको पी से लेके पी डैश की डायरेक्शन में कर्ल करना है। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब डिनोट करेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर ओमेगा। यहाँ पर आपका थंब आपका आउटवर्ड प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका इसलिए डिनोट करेगा। ओके बेटा, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल पी मूव्स ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस वेक्टर आर विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और जो ये ओमेगा है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, जिस तरह से आपकी लीनियर वेलोसिटी होती थी अलोंग द लाइन, उसी तरह से एंगल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एंगल कैसे देख रहे हो, इनिशियली आपका पार्टिकल पी पे था, अभी जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे पार्टिकल का एंगल भी चेंज हो रहा है। दैट इज कि पार्टिकल ने ये यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मेरा कर्सर है, पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक गया, थीटा एंगल से चेंज हुआ। अभी आगे हम स्टडी भी करेंगे इसकी। तो ये इसकी क्या डायरेक्शन है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, बिकॉज द वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द कर्व। अब अगली डायरेक्शन आपकी पी डैश पे आएगी, ये वी डैश हो गया। अब बेटा आप क्या देखोगे कि ये पी पे डायरेक्शन है, ये पी डैश पे डायरेक्शन है। लीनियर वेलोसिटी वी इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट चेंजेज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, ये चीज मैंने आपको बता ही दी है कि उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है अलोंग द सर्किल। द पार्टिकल एक्सपीरियंसिस दिस एक्सीलरेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन,
The particle experiences the acceleration because the acceleration is present in the particle just because of the change in direction of the particle p. Okay, now in case of non-uniform circular motion, the particle experiences acceleration due to change in both speed and direction. अगर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं जिसमें यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसमें पार्टिकल की स्पीड में भी चेंज होगा और उसकी डायरेक्शन में भी चेंज होगा, दोनों ही चीज़ में चेंज होगा जिसकी वजह से पार्टिकल में एक्सेलरेशन आएगा. बट वी आर कंसिडरिंग अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म दैट इज उसकी स्पीड सेम है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल उसकी डायरेक्शन चेंज की वजह से उसमें एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट जनरेट होता है. नेक्स्ट, अगर हमने v डैश को पीछे देखा तो ये आपका कितना है, ये आके v को यहाँ पे मिला. मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल है, जितना एंगल में चेंज आ रहा है, दैट इज डेल्टा थीटा. तो बेटा ये दो वेक्टर हैं, ये आपका ये दो वेक्टर है और ये आपका वेलोसिटी वेक्टर्स है. वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा? देखिए, जो भी दो वेक्टर होते हैं उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम एंगल होता है. अब ये देखिए, ये आपका r वेक्टर है, ये r वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका टेंजेंट. ये r डैश वेक्टर है, ये r डैश ऊपर के परपेंडिकुलर है, v डैश टेंजेंट है. तो ये दोनों वेक्टर है और ये दोनों के नॉर्मल्स हैं, दैट इज परपेंडिकुलर है. बेटा परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी बोलते हैं. तो ये दोनों के नॉर्मल्स हैं, तो जो एंगल वेक्टर्स के बीच में होता है वही एंगल उनके नॉर्मल्स या परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होता है. तो ये एंगल डेल्टा थीटा है, तो ये एंगल भी आपका कितना होगा? डेल्टा थीटा ही होगा, बिकॉज दिस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स और बिटवीन द परपेंडिकुलर्स ऑफ द टू वेक्टर. तो दो वेक्टर जिनके परपेंडिकुलर है वो वेक्टर कौन कौन से? आर और आर डैश, दैट इज ओ पी और ओ पी डैश. ठीक है बेटा, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब ये आपका आ गया डेल्टा आर. अब सिमिलरली हम डेल्टा वी भी निकालेंगे. और बेटा जो ये ऑरेंज वाला है, ये आपका क्या आ जाएगा? डेल्टा एस. दिस इज द चेंज इन डिस्टेंस, दैट इज आर का ये. और ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन होती है वो. ये आपका डेल्टा आर है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट है. और ये आपका डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस जिसके अंदर पार्टिकल गया है. और यहाँ पर हम इसको आर से डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा एस. एस से हम आर को डिनोट करते हैं, चेंज इन आर इज डेल्टा एस. व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पी टू पी डैश इन टाइम डेल्टा पी, दैट इज टी डैश टू टी. इनिशियली टाइम पी पे था, यहाँ पर टाइम टी डैश पे पहुंच गया, तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया? टी डैश माइनस टी. द लाइन ओ पी, ओ पी इज वॉट? पोजिशन वैक्टर, दैट इज आर, रेडियस वैक्टर. उस पोजिशन वैक्टर को यहाँ पर क्या बोला जाएगा? रेडियस वैक्टर, बिकॉज दैट इज द रेडियस. मूव अलॉन्ग द एंगल थीटा, डेल्टा थीटा. और जो ये रेडियस वैक्टर है, ये एंगल डेल्टा थीटा के अलॉन्ग मूव करता है. ये डेल्टा थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. जैसे ये तो मैंने क्या बताया आपका? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है. ये आपका लीनियर डिस्टेंस है डेल्टा एस. तो एंगुलर वेलोसिटी आए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल में भी चेंज आ रहा है. तो आपका जो एंगल में चेंज आ रहा है, दैट इज योर डेल्टा थीटा, एंड दैट इज नोन एज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू बेटा. द वेलोसिटी वेक्टर वी टर्न्स थ्रू द सेम एंगल डेल्टा थीटा बिकम्स वी डैश. सिमिलर वे में आपका जो ये वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर तो वो उसका परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी वेक्टर भी आपका सेम एंगल के साथ में रोटेट करता है डेल्टा थीटा. और उसके बाद में ये जो बन जाता है वेलोसिटी वेक्टर, वो बन जाता है वी डैश. वही इसीलिए हमने देखा कि यहाँ पर एंगल कितना है? डेल्टा थीटा. द लीनियर डिस्प्लेसमेंट पी पी डैश इज आर, इज डेल्टा आर. द लीनियर डिस्टेंस डेल्टा एस इज पी पी डैश आर का. ये वाली जो पी पी डैश है बेटा, ये आपका मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट एंगुलर और लीनियर, दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट. और जो आपका ये एस के थ्रू जा रहा है, जो ये इस सर्किल के पाथ के थ्रू जा रहा है, दिस इज योर आर्क. और ये जो होगा, ये आपका एक्चुअल डिस्टेंस है. सो दिस इज योर लीनियर डिस्टेंस आर पी पी डैश. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. The angular velocity is the rate of change of angular displacement. अब angular velocity क्या होती है? जिस तरह से हमारा linear velocity होती है rate of change of linear displacement, similar way में angular velocity is rate of change of angular displacement. That is angular displacement क्या है? Delta theta. तो angular velocity omega will be equal to delta theta upon delta t. और अगर instantaneous angular velocity की बात करते हैं बेटा, तो limit put कर देंगे हम delta t tending to zero, delta theta upon delta t.
दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एक्चुअली बेटा क्या होता है कि जो ये आपका डायग्राम है ये बहुत मैग्निफाई करके मतलब बड़ा करके दिखाया गया है। जो पी और पी डैश पॉइंट है ये एक्चुअली बहुत पास पास पॉइंट है। जो डेल्टा थीटा होता है वो बहुत स्मॉल पॉइंट है एंगल है, क्योंकि पी और पी डैश बहुत कम है। डेल्टा टी जो टाइम है वो बहुत माइक्रो सेकेंड्स का टाइम है, लेकिन अगर हम उसको एक्चुअल फॉर्म में देखेंगे तो हमें एक्सप्लेन करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमने इसको मैग्नीफाई करके लिखा है और हमने बड़ा करके लिखा है, बट एक्चुअली ये बहुत छोटा है, इसलिए हमने डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लगाया है। और ये फिर जो आपका इन एंगुलर वेलोसिटी है इट विल कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, वही हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, बट डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डी डेल्टा थीटा। ये आप पिछली वाली स्लाइड से देख सकते हो कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो आर्क वहाँ पर डेल्टा एस थी, रेडियस आपकी डेल्टा सॉरी आर थी, और एंगल आपका डेल्टा थीटा था। तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सॉरी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, सो आर इंटू डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा एस। वेन यू विल पुट दिस डेल्टा एस इन टर्म्स ऑफ वी, देन इट विल बी आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब बेटा जो ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है ये क्या बन गया, ओमेगा बन गया, ठीक है। अभी अभी हमने चेक किया है तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी दिस विल बिकम इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा। एंड वी नो दैट इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन आर रेडियस वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड द व्हेन वी विल टेक द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ऑल्सो टेकन बाई द राइट हैंड रूल, सो दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी सॉरी लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर। सो बोथ द थ्री ऑल द थ्री टर्म्स वी आर एंड ओमेगा आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। सो जब हमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाना होता है तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट की स्टडी करी थी, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, सो वी विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेक्टर एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। V and R and omega are all are mutually perpendicular and omega is perpendicular to the plane containing R and V. So beta acceleration in uniform angular motion, circular motion, this we will discuss in tomorrow's video because today it will not be complete. So go through the only two slides and try to understand all the things. I hope this is clear to all of you. Thank you beta, God bless you.